सावन मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने नागपंचमी के अवसर पर पूजा अर्चना की तथा शिवलिंग पर दूध, लावा, जल, मिठाई, फल आदि चढ़ाया, जिसके संबंध में पूजा करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि नागपंचमी के दिन महिलाएं नाग देवता का पूजा करती हैं। नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा शुभ मानी जाती है तथा नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि नागपंचमी के दिन लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए सांपों को दूध चढ़ाती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने परिवार को सांपों या बुरी नजर से होने वाले किसी भी नुकसान से बचाने के लिए प्रार्थना करती हैं। आज के दिन सभी अपने घरों में गोबर से नाग नागिन का जोड़ा बनाकर पूजा करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूजा करने आए श्रद्धालु रिंकी पांडे एवं मीना त्रिपाठी ने कहा, जय जय नागपंचमी। अरे नाग दूध पिएला नहीं, नहीं ला दिए इसका, इतना पिलाए, इतना पिलाए ना, इतना दूध पिलाए। अरे पिया लेता हूँ, पिलाए जय इधर। कहाँ पिया था? पिया था, पिया था, वो चाट राजीव से खेला कर दिया उसने, ज्यादा नहीं जरूर से ला डाल के चल राजा भाई ना बोले भंडार। टीवी से हो मेरा नाम तो रिंकी पांडे। नागपंचमी में हम लोग अपने अपने घरों में गोबर से नाग भगवान का पूजा, नाग और नागिन का जोड़ा बना के हम लोग उनको सिंदूर टीका लगाते हैं। बहुत से घरों में पूड़ी उड़ी भी बन के हलवा पूड़ी भी चढ़ता है, जैसे हमारे घर में भी चढ़ता है, यही करते हैं हम लोग। सावन में नागपंचमी कितना महत्व माना जाता है? अब नागपंचमी का तो बहुत महत्व होता है, भगवान भोलेनाथ का पूरा सावन ही भगवान भोलेनाथ का दिन है, उनके लिए तो यही बहुत अच्छा दिन है, मतलब हम लोगों के लिए, सबके लिए ये बहुत अच्छा, जितना हो सके पूजा उतनी पूजा करनी चाहिए सावन में भगवान भोलेनाथ की। क्या चढ़ाए नागपंचमी में? दूध और लावा चढ़ाते हैं हम लोग घर में भी, हाँ घर में भी चढ़ाते हैं, मंदिर में भी आके चढ़ाते हैं हम लोग, यही सब करते हैं। हाँ महिमा त्रिपाठी। नागपंचमी सावन में वही पूजा पाठ हम लोग घर में भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, हर जगह होता है पूजा पाठ। पहले तो किया जाता था लेकिन इस समय वो चीज़ कम हो गया है, गांव में है ये सब, हाँ गांव में होता है, शहर में। क्या उसका महत्व है डुबी फूटने का? वही त्यौहार लोग मनाते हैं, बाहर से जो लोग बाहर रहते हैं बाहर से आके, मतलब ज़्यादा इसका महत्व है, हाँ इस पूजा का।